यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद हिजरीभाईन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की श्री कृष्ण डोल यात्रा उत्सव की श्री श्री राधा रमण आविर्भाव महोत्सव की श्री माधवेंद्रपुरी आविर्भाव महोत्सव की श्री परमेश्वरीदास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की श्रील श्रीनिवास आचार्य तिरुभाव आविर्भाव महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामश्रेष्ठं मनुमपि सचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्यां प्राप्तो यस्य प्रथीत कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्याच्छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते दुर्गमे पथि मे अंधस्य स्खलत पाद गतिर मुहु स्वकृपाम यष्टिदानेन संतः संत्वावलंबलम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो मैं सबसे पहले मंदिर के व्यवस्थापकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो भी महान आचार्य प्रकट हुए और भगवान प्रकट हुए श्री श्री राधा रमण देव और साथ ही भगवान की डोल यात्रा जो है वो होती है
और जो आचार्य जैसे परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरुभाव है, माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव है और श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव है, इनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करने का अवसर मुझे उन्होंने दिया, इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। और साथ ही साथ आप सभी रसिक श्रोता भक्तजनों के चरणों में वंदन करके और आशीर्वाद की याचना करते हुए हरे कृष्ण मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। प्रायः हम देखते हैं कि भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, कोई भी भक्ति ग्रंथ हो, लीला के उपरांत फलश्रुति दी जाती है, लेकिन हम प्रारंभ करेंगे फलश्रुति से, जिसके चलते हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अगर गाजर दिखाया जाए लाभ क्या है वो दिखाया जाए तो हम ध्यान ज़्यादा उसमें लगा सकते हैं। तो भक्ति रत्नाकर यह एक बहुत पवित्र और अधिकृत ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का अध्ययन भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर और अपने स्वयं शिल प्रभुपाद करते थे और जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। इसमें शिल नरहरि चक्रवर्ती वो वरदान देते हैं, जो कोई श्रीनिवास आचार्य के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करता है उसके लिए वरदान है। बाकी भी बहुत कुछ हम चर्चा करेंगे, देखते हमारे पास कितना समय है। तो नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि भक्तों ने मुझे यह श्रीनिवास आचार्य का जीवन चरित्र वर्णन करने का आदेश क्यों दिया, क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन उनके आज्ञावश उनकी प्रसन्नता के लिए मैं श्रीनिवास आचार्य का जीवन चरित्र वर्णन कर रहा हूँ। और ये मेरा मत है कि जो कोई भी ध्यानपूर्वक इस जीवन चरित्र को श्रवण करेगा उसको निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, श्रीनिवास आचार्य की। और वो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, और जो कई उत्सुकता पूर्वक ये लीला दूसरों को सुनाते हैं उनको श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त होगी, और जिसको भी गदाधर पंडित के प्रति और श्रीनिवास आचार्य के प्रति श्रद्धा है उसको भक्ति रत्न प्राप्त हो जाएगा। ये तीन अलग अलग वरदान देते हैं, है तो एक ही है वर्णन अलग है। और जिसको इसमें श्रद्धा नहीं है, ये वरदान में जिसको श्रद्धा नहीं है उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो आगे लिखा है ऐसा, Whoever has no faith in their devotional qualities will surely be ruined, यथारूप। तो इस प्रस्तावना के साथ हम प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए प्रिय भक्तजनों, जो लोग यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, जो लोग अभी YouTube पर देख रहे हैं और जो लोग बाद में देखने वाले हैं, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करिए और अपना जीवन सफल बनाइए भक्ति रत्नाकर के वचन के अनुसार। श्री कृष्ण डोल यात्रा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, भगवान जगन्नाथ का वो नौका विहार है और नरेंद्र सरोवर में लीला करते हैं, उसका वर्णन करने के लिए कम से कम एक दो घंटे का समय चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं है ज़्यादा समय। उसके बाद श्री माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव महोत्सव जो है उसके लिए तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का चौथा अध्याय पूरा समर्पित है माधवेंद्रपुरी की भक्ति के रूप में, कई घंटे चल सकते उसमें। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन राधा रमण देव का आविर्भाव वैशाख पूर्णिमा है, उनकी लीलाएं इतनी अनगिनत है, उनकी महिमा इतनी महान है कि हम हजारों मुख से भी उनका गान नहीं कर सकते, तो आने वाले 45 मिनट में क्या करेंगे। परमेश्वरी दास ठाकुर, आप खोलिए प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11वां अध्याय श्लोक संख्या 29।
आप में से कितने लोगों को कृष्ण प्रेम चाहिए? हाथ ऊपर करो। चाहिए? तो ये श्लोक पढ़ने का प्रयास करिए। क्या हो रहा है प्रभु जी? आदि लीला 11वां अध्याय 29। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, परमेश्वर दास नित्यानंद शरण कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण। परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला में पंचम गोपाल है, वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित थे। जो कोई भी उनका नाम लेता है परमेश्वर दास, बोलो, उनको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चैतन्य चरितामृतकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तात्पर्य कोट करते हुए शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर आगे विस्तृत वर्णन करते हैं। ये उनकी महिमा है परमेश्वरीदास ठाकुर की। वो नित्यानंद प्रभु के गोपाल थे, नित्यानंद प्रभु के जब द्वादश गोपाल थे उसमें से एक थे वो। और वो जानवा माता के साथ वृंदावन यात्रा में गए थे। वो खेतुरी का जो गौर पूर्णिमा महोत्सव था उसमें भी वो सम्मिलित थे। और वो हमेशा वीरचंद्र प्रभु और जानवा माता के आश्रय में रहते थे। एक बार वो कीर्तन कर रहे थे और कुछ ईर्ष्यालु लोग, कुछ डाकू लोग बहुत ईर्ष्या के वश उन्होंने एक मरा हुआ जैकल, जैकल समझते, जिसको हिंदी में सियार कहते, लोमड़ी, उसको फेंक दिया कीर्तन मंडली में ताकि सब भक्त भाग जाए करके। परमेश्वरी दास ठाकुर ने ऐसा कीर्तन किया और उसको स्पर्श किया, केवल उनके स्पर्श वश वो जो लोमड़ी थी वो सजीव हो गई, पुनः जागृत हो गई और वो भी कीर्तन में भाग लेने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये उनकी महिमा है। जब चैतन्य महाप्रभु चांदकाजी का उद्धार करने गए थे तो चांदकाजी का उद्धार हो गया तो उन्होंने अपनी लाठी, एक दंड था वो दिया था चैतन्य महाप्रभु को। और महाप्रभु जब भी नवदीप में लीला करते तो वो दंड कीर्तन में आगे था। इसका मतलब ये था इस कीर्तन को चांदकाजी की अनुमति है। तो वो जो है वो परमेश्वरी दास ठाकुर के घर पे आज भी पूजा की जाती है, उनके पास है। तो हम भी उस लोमड़ी की तरह है, भक्ति में प्राय मरण अवस्था में है। अगर हम परमेश्वरी दास ठाकुर का आश्रय लेते हैं तो हमको भी भक्ति में पुनरुज्जीवन मिल सकता है। जय श्री परमेश्वरी दास ठाकुर की। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा में जब श्रीरंगम धाम में आए तो वहाँ के पुजारी वेंकट भट्ट के यहाँ चातुर्मास के लिए रुके थे। वे तीन भाई थे, वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। वेंकट भट्ट के एक सुंदर पुत्र थे जिनका नाम था गोपाल, ये उनकी सेवा कर रहे थे। वही जाकर के आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए। एक बार का वर्णन है, छोटे गोपाल जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे श्रीरंगम में तो सोच रहे थे, क्या मैं कितना पापी हूँ, दैव कितना क्रूर है मेरे ऊपर, मैं श्रीरंगम में जन्म लिया, मुझे नवदीप चंद्र श्री निमाई पंडित का दर्शन नहीं हो पाया कभी। तो ऐसा सोच ही रहे थे, चरण मसाज कर रहे थे, मालिश कर रहे थे महाप्रभु की, तो उन्होंने देखा तो श्रीमद महाप्रभु काले घने घुंघराले बाल और उनका सुंदर सौभाग्यशाली कपोल और उनके दोनों आँखों की भुया जो थे धनुष की कमान की तरह लग रही थी और उनके दोनों आँखें कमल की पंखुड़ी की तरह जो कान के पास जाकर पहुँचे थे और उनके उन्नत नासिका बहुत सुंदर लग रही थी, उनके अधर अमृत बिंब फल के समान लग रहे थे और उनके दांत जो है बिंब फल के दाने के समान, अजानुलंबित भुजा, उनके दोनों भुजाएँ घुटने से भी नीचे तक पहुँच गए थे और उन्होंने पीताम्बर धारण किया था और वो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और उन्होंने गोपाल को आशीर्वाद दिया, आप बड़े होकर के वृंदावन जाना। और जैसे उन्होंने प्रणाम किया उसी अवस्था में तो वापस श्री कृष्ण चैतन्य
शरीरधारी संन्यास अवतार में उन्होंने दर्शन दिया। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं गोपाल भट्ट गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु की। बाद में जब वे वृंदावन आते हैं तो महाप्रभु उनको अपने बैठने का आसन, जगन्नाथ की माला वगैरह दे देते हैं और वे रूप गोस्वामी के श्री गोविंद देव की सेवा कर रहे थे। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के अंतर मन की इच्छा जानते हुए गोपाल भट्ट को आज्ञा देते कि आप अपने विग्रह की सेवा करो। उनके पास कोई विग्रह होता नहीं है। जब वे नेपाल जाते हैं तो कुछ शालिग्राम शिलाएं लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक बार एक बहुत बड़े धनी व्यापारी आते हैं वृंदावन, कृष्णदास कपूर। वे सारे गोस्वामियों के विग्रह को अलग अलग आभूषण, वस्त्र, अलंकार देते हैं। तो ये सोचते हैं मैं शालिग्राम को क्या पहनाऊँ। तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, हम जानते हैं उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके जो शालिग्राम शिलाएं थे उनको प्रार्थना करते हैं, भगवान आप तो खंभे से प्रकट हो गए थे प्रहलाद की रक्षा के लिए, तो आप इसमें से भी प्रकट हो सकते हो। तो सुबह जब वैशाख पूर्णिमा के दिन जो प्रातःकालीन समय यमुना स्नान के लिए गए और वापस आ रहे थे, आए और उन्होंने देखा उसमें से दामोदर शिला जो है उन्होंने त्रिभंग सुंदर ऐसा राधा रमन का रूप धारण किया था। आज भी अगर आप राधा रमन का दर्शन करोगे तो पीछे कुछ शालिग्राम का भाग अवशेष है, आज भी उसका अवशेष है। भक्ति रत्नाकर कहता है ये रूप गोस्वामी की कृपा से राधा रमन प्रकट हुए थे, और जब रूप गोस्वामी को बुलाया गया तो उन्होंने उनका नामकरण किया राधा रमन। उनके बहुत सारे अनगिनत लीलाएं हैं, लेकिन आज खास करके हम श्रीनिवास आचार्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं कुछ दो तीन लीलाएं या मुद्दे बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। श्री गोविंद देव के चरण, श्री मदन मोहन के चरण कमल बहुत सुंदर है, श्री गोपीनाथ के वक्षस्थल और गोविंद देव का मुखमंडल। अगर आपको वृंदावन आप गए हैं और कुछ समय बहुत कम है तो आप सप्त देवालय का जो गोस्वामियों का मंदिर है उनका दर्शन करिए। उसमें भी कम समय है तो तीन विग्रह का दर्शन करिए। अगर बिल्कुल कुछ समय नहीं, बहुत कम समय है, तो आप केवल राधा रमन का दर्शन करिए, क्योंकि राधा रमन के चरण कमल, उत्तरा देवी कहती है मदन मोहन के चरण कमल कृष्ण की तरह है, गोपीनाथ के वक्षस्थल कृष्ण की तरह है और गोविंद देव का मुखमंडल कृष्ण की तरह है, और रूप गोस्वामी कहते हैं ये राधा रमन में तीनों आ जाते हैं। राधा रमन के चरण कमल मदन मोहन की तरह है, राधा रमन के वक्षस्थल गोपीनाथ की तरह है, राधा रमन का मुखमंडल गोविंद देव की तरह है। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिद्वार गए थे वहां पर किसी ब्राह्मण के घर रहे थे और उस ब्राह्मण को पुत्र नहीं था, निसंतान था। उन्होंने बहुत कृपा याचना करने के बाद गोपाल भट्ट जी ने उनको आशीर्वाद दिया तो उनको एक संतान हुई जिसका नाम हुआ गोपीनाथ, और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में आए राधा रमन की सेवा करने के लिए। वो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। गोपीनाथ के बाद उनको एक भाई भी हुआ दामोदर दास, वो आकर राधा रमन की सेवा करने लगे। वो गृहस्थ रहे और उनकी ही परंपरा है जो अभी सेवा कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत विशेष है राधा रमन का मंदिर, क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे सप्त देवालय में से छः के छः मंदिर बंद थे, केवल एक राधा रमन का मंदिर उनके लिए स्वागत कर रहा था। और आज के जो सेवाएं थे राधा रमन के पद्मनाभ गोस्वामी, उनके कुछ जो वंशज है, रिश्तेदार है, मेरे पहचान में, मेरे संपर्क में बोल रहे थे कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए थे राधा रमन मंदिर तो उनके यहाँ भिक्षा किए थे, वहाँ पर प्रसाद पाए थे राधा रमन का। उनके दादाजी ने उनको बुलाया था, वहाँ पर कई दिन रहे भी थे, और भक्ति सिद्धांत जी ने जो सेवाएं की थी शालिग्राम, वो सेवा शालिग्राम शिलाएं आज भी राधा रमन मंदिर में है। और प्रभुपाद कहते हैं सारे मंदिरों में राधा रमन का जो अर्चना विधि है वो सबसे सर्वोत्तम है, और इस्कॉन मंदिर में जो हम पालन करते हैं वो उनका ही अनुगमन करते हैं राधा रमन का। इसलिए राधा रमन हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं, मैं एक मुख से क्या बोलूंगा और आप दो कान से क्या सुनेंगे। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी, वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का कहीं वर्णन नहीं है चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि वैसा उन्होंने वचन लिया था, लेकिन अन्यत्र कहानी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो रेमुणा में रुके थे और वहां पर उन्होंने अमृत केले का स्वाद लिया था
और वो चाहते थे कि राधा रमन के लिए वैसे ही बनाएं, और उन्होंने सीख लिया और वो जाकर बना दिए और बहुत अच्छा लगा भगवान को। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, एक बालक आया ग्वाला, बोले बाबा मुझे खीर दियो, तो उनको खीर का लोटा दिया, खीर खाए। बाबा एक और चाहिए, बाबा एक और दे दो, तो बाबा का जब डिस्टर्ब हो रहा था तो बाबा ने लाठी लिया, चल भाग इधर से, तो निकल गया ग्वाला। और गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना नया भोग लगा रहे थे राधा रमन को, और उनको विशेष पद्धति मालूम थी राधा रमन खाए कि नहीं खाए। अरे खाए नहीं, खाए नहीं, खाए नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत चिंतित हो गए, रात भर सो नहीं पाए। उनको रात को थोड़ा झपकी आ गई और उसमें राधा रमन स्वप्न में आए। उन्होंने पूछा आपने क्यों नहीं खाए खीर, हाँ तुम देना नहीं चाहते, मैं कई बार मांगने आया था, दिया एक दो बार दिया, बाद में नहीं दिया, बहुत कंजूसी की आपने, मुझे खीर खानी थी। ऐसा जब उन्होंने डांटा तो गोपाल भट्ट उधर ही उठे, बोले भगवान मैं तो आपको 100 से ज़्यादा 108 मटके अर्पण करूँगा आज भी राधा रमन मंदिर में, आप हम छोटा लौट के देखते। वो उसी लीला के स्मरण में आज भी उनका भोग लगाया जाता है और हमको प्राप्त होते उस अमृत के लिए। जय श्री राधा रमण देव की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में अलग अलग विभाग से भक्त थे, नवदीपवासी भक्त, शांतिपुरवासी भक्त, कुलीन ग्रामवासी, ऐसे ही खंडवासी भक्त भी थे। खंड मतलब गांव का नाम है श्री खंड, कितना मीठा है। भक्त भी वैसे ही थे और वहाँ पे रहते थे मुकुंद सरकार, सरकार परिवार रहता था, मुकुंद सरकार, नरहरी सरकार, रघुनंदन सरकार, माधव सरकार, ये सब इधर रहते थे। उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में कुछ और गांव थे, जाजी ग्राम, चकंडी, ये सब गांव थे। तो चकंडी ग्राम में एक बहुत पवित्र और विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। ये गंगाधर भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे, बहुत गुणवान थे, शीलवान थे, चरित्रवान थे और महाप्रभु के प्रति बहुत समर्पित थे। वे हर दिन श्री निमाई की सारी लय सुनते थे, उनको खबर आती थी कि कैसे निमाई जो है वो शरारती बालक है, गंगा में कैसे नहाता है, कितने लोगों को परेशान करता है, क्या क्या नहीं करता, बहुत सारी लीलाएं वो सुनते थे। वही निमाई अभी जाके निमाई पंडित बन गया है, गंगादास पंडित के कृपा आशीर्वाद से बहुत विद्वान बना है, तर्क शास्त्र में बहुत निपुण बना है, सबको पराजित करता है। वही निमाई अभी ईश्वरपुरी की कृपा से वैष्णव बन गया है और हरिनाम संकीर्तन करने लगा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो निमाई ने जगाई मधाई का उद्धार किया, उतना ही नहीं दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी को पराजित किया। ये सब सुन के गंगाधर भट्टाचार्य के रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजु हो रहा था, सारा उनका जो दिव्य भाव है केवल श्रवण मात्र से प्रकट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये निमाई को मिलना ही चाहिए। तो निकलते चकंडी ग्राम से नवदीप आने के लिए आते हैं तो बीच में कंटक नगर आता है जिसका दूसरा नाम है कटवा। वहां पर केशव भारती महाराज का आश्रम था और केशव भारती महाराज और गंगाधर भट्टाचार्य का पुराना परिचय था, वे कई बार उनके पास आके आशीर्वाद लेते थे, कृपा लेते थे। तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ तक आया हूँ तो केशव भारती महाराज का आशीर्वाद भी लेते हैं। जैसे वो केशव भारती महाराज के आश्रम की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग रो रहे हैं। तो जैसे वो पास में आया तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं, आप जानते नहीं निमाई पंडित संन्यास ग्रहण कर रहा है। जैसा ही ये सुना गंगाधर भट्टाचार्य ने वो तुरंत उसी जगह पे मूर्छित हो गए।
बेहोश हो गए कि वही निमाई पंडित जिनके दर्शन के लिए मैं इतना आतुर था, ललायित था, इसके लिए मैं इधर आ रहा था, और कितना मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पा रहूँगा। अभी बहुत रोने लगे। फिर कैसे तो अपने आप को संभल के उठ के वो आगे आए। उन्होंने देखा कि केशव भारती महाराज के आश्रम में लोग बहुत गुस्सा में है और लोग डांट रहे केशव भारती महाराज को संन्यास नहीं देने का। और जो नाई था उनके बाल काटने वाला, उसका नाम था मधु, वो हाथ में कैंची लेके बैठा था और लोग उसको बोल रहे मत काटो बाल, और महाप्रभु बोल रहे मधु बाल काटो। तो ये सब जो भ्रमित अवस्था है वो गंगाधर भट्टाचार्य देख रहे हैं, और महाप्रभु ने उधर निमाई पंडित ने कीर्तन आरंभ किया और सब लोग कीर्तन में भाववेश हो गए और मूर्छित हो गए। तब जाके मधु ने उनके सुंदर काले घने घुंघराले बाल, सारे ब्रह्मांड में उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं दे सकते, ऐसे बाल उन्होंने काटना चालू कर दिया। गंगाधर भट्टाचार्य दर्शन कर रहे, वो बाल काटते हुए देख कर ही वो बेहोश हो गए वापस। और उन्होंने देखा वो केशव भारती महाराज, केवल चैतन्य महाप्रभु केशव भारती महाराज यही दो बेहोश नहीं हुए थे, उन्होंने उनको नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। और जो मधु नाई था वो बाद में जाके उसने किसी और के बाल नहीं काटे और उसने मिठाई की दुकान डाली, वो रसगुल्ला संदेश बर्फी गुलाब जामुन ये सब बांटने लगा। जैसे ही उन्होंने सुना श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, तो गंगाधर भट्टाचार्य रोने लगे चैतन्य 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 चैत, ऐसा रोने लगे। और उधर वापस बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनको होश आ गया और वहाँ से वे अपने गांव किसी तरह पहुँच गए। और उन्होंने देखा कि गंगाधर जो है पागल हो गए। जय श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताय भगवान की। गंगाधर पागल हो गया है, इसको भूत पकड़ा है, ऐसा लोग बोलने लगे। और कुछ बोलते ही नहीं थे, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो लोगों ने उनका नाम रखा चैतन्य दास। इनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। ये भी उनके समान ही अतिशय पवित्र और गुणवान और शीलवान थी। ये भी महाप्रभु की भक्त थी। ये दोनों श्रीमद् महाप्रभु की लीलाओं का कीर्तन करते, श्रवण करते, हरिनाम करते और अपना जीवन यापन कर रहे थे बहुत शुद्ध तरीके से। लेकिन अचानक एक दिन चैतन्य दास के हृदय में संतान प्राप्ति की इच्छा हुई, पुत्र प्राप्ति की। अभी उनका चरित्र देखो कितना महान है। तो वो अपने पत्नी को बोलते हैं, देखो लक्ष्मी, मेरे हृदय में ऐसी पापी इच्छा कैसे आ गई? हम तो महाप्रभु की इतनी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी पापी इच्छा कैसे आ गई? ये वो इच्छा है प्रायः भौतिक लोगों के जीवन में हर क्षण रहती है, हर क्षण रहती है। और वे कहते मेरे जीवन में, मेरे हृदय में ऐसी पापी इच्छा कैसे आ गई? तो लक्ष्मी देवी कहती कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमको पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो क्या करें? चलो हम महाप्रभु से पूछते हैं नीलाचल चल के। लक्ष्मी प्रिया कहती है, तो अपनी पत्नी के सलाह के अनुसार चैतन्य दास लक्ष्मी प्रिया को लेकर के नीलाचल के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में आते आते वो सोचते हैं, क्या भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्या श्रीमन महाप्रभु पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा उद्धार करेंगे? क्या मेरे नाम से मुझे पुकारेंगे या मुझे बुलाएंगे? ऐसा वो सोच रहे थे। एक हमारे जैसा नहीं, रात को बैठ गए सुबह उतर गए, दो घंटे में फ्लाइट लेके जाते, कई दिन लगते नवदीप से जगन्नाथपुरी जाने के लिए, 400-450 किलोमीटर का रास्ता है वो। तो एक दिन एक रात को विश्राम कर रहे थे, उनको स्वप्न आया। उस स्वप्न में देखा उन्होंने बहुत सुंदर दृश्य,
और उसमें उन्होंने श्याम सुंदर कृष्ण रास बिहारी का दर्शन किया राधा रानी के साथ। उसके बाद उन्होंने दर्शन किया श्रीमन महाप्रभु का, और उसके बाद वही महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में उनको दर्शन देने लगे, और साथ में बलराम थे, सुभद्रा देवी थे, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, ये एक ही लाइन उनके स्वप्न में आ गई थी प्रत्यक्ष रूप से। और सुबह उठ के उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, मेरे को ऐसा स्वप्न आया था। दोनों बहुत उत्साही हुए और नीलाचल की ओर गमन किए। जैसे वो नीलाचल के पंचक्रोशी में आए, उनको बहुत आनंद होने लगा, और जैसे वो जगन्नाथ मंदिर के सामने आए तो वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु अपने निजी पार्षदों के साथ सिंह द्वार के पास थे, और उन्होंने देखा चैतन्य दास और लक्ष्मीप्रिया आई है, तो जोर से चिल्लाए। श्रीमन महाप्रभु बोले पुकारते हुए, चैतन्य दास मैं जानता हूँ क्यों आप यहाँ पर आए हो, आप जाओ जगन्नाथ का दर्शन करो और उनको आपकी इच्छा प्रकट करो, वो ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भक्त लोग अचंभित हो गए, क्या ऐसी विशेष इच्छा है जो महाप्रभु बोल रहे इसके विशेष रूप में। और गोविंद को महाप्रभु कहते हैं कि आपको सेवा है, आप उनको जाकर ले जाओ और महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन कराओ। गोविंद उनको जगन्नाथ के दर्शन के लिए लेके जाते हैं। जगन्नाथ का दर्शन लेके दोनों दंपत्ति भाव विभोर हो जाते हैं। श्रीमद महाप्रभु गंभीरा में वापस आते हैं और गोविंद को बोलते हैं, ये जो चैतन्य दास है ना, ये यहाँ आया है पुत्र प्राप्ति के लिए, उसकी इच्छा है, और ये इच्छा कोई गलत नहीं, मैंने ही वो इच्छा उसके हृदय में डाली है, दोनों के हृदय में मैंने वो इच्छा आरोपित की है। मैं चाहता हूं उनको एक पुत्र हो, क्योंकि मैं श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति ग्रंथों की रचना कर रहा हूं, और इस पुत्र के माध्यम से उसका मैं वितरण करूंगा, जो पुत्र अभी इनके संतान के स्वरूप में प्राप्त होगा, और इसका नाम रखना श्रीनिवास। अभी तक गर्भाधान भी नहीं हुआ, केवल विचारे मन में, तभी उसका नामकरण भी हो गया, ये उनकी महानता थी। श्रीमद् महाप्रभु आगे कहते हैं, ये श्रीनिवास मेरे प्रेम का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप रहेगा और ये पूरी दुनिया का उद्धार करेगा, इसीलिए मैंने ये दोनों पवित्र दंपत्ति के हृदय में ये इच्छा दे दी है। तो इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं, उनको भी यही आदेश देते हैं और कहते हैं आप जाओ बंगाल वापस जाओ। तो वहां से निकल के आते हैं चैतन्य दास और लक्ष्मीप्रिया, और चकंडी ग्राम में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मीप्रिया गर्भवती हो जाती है, और समय के उपरांत श्रीनिवास वैशाख पूर्णिमा को प्रकट हो जाते हैं। उनके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण थे श्रीनिवास के अंदर, और सर्वी चकंडीवासी उस बालक का केवल दर्शन करके ही रोमांचित हो जाते, वो बालक है था ही इतना विलक्षण, और सब लोग उस केवल बालक को दर्शन करने के लिए आते थे कि चैतन्य दास को कितना सुंदर बालक हुआ है। प्रतिपदा के चंद्र के भांति वो बालक शने शने बढ़ते गया, और उनकी माता लक्ष्मीप्रिया ने उनको नाम संकीर्तन सिखाया। ऐसी माता होनी चाहिए जो महाप्रभु के बारे में लीला बताए और नाम संकीर्तन सिखाए। उन्होंने उनको नाम संकीर्तन सिखाया, जय सच्चिनंदन गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। आप लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे 8-10 दिन से भूखे हो, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। और चैतन्य दास उनको श्री निमाय के बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं बताते थे, कैसे निमाय जो है गंगा जी में 6-6 घंटे के लिए शरारत करते थे, नवद्वीप वासियों को परेशान करके रखा था, वही निमाय ने तैरथिक ब्राह्मण का भोग
दूषित किया था, उसको दर्शन दिया था, वही निमाई ने कैसे तर्कशास्त्री के रूप में अनेक पंडितों को हराया था। बाद में ईश्वरपुरी की कृपा से जब वो वैष्णव बन गए तो उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया और अनगिनत लोगों का, काजी का उद्धार किया, उसका उद्धार किया। सारी लीलाएं भक्ति रत्नाकर में बहुत विश्लेषण में उसका वर्णन है। और वह कहते हैं, मैं वो दुर्भागी जीव हूं जो उनका सन्यास देखने के लिए गया था, क्योंकि सन्यास लीला नवदीप वासियों को इतना पसंद नहीं है। जिस घाट से महाप्रभु निकले थे उस घाट का भी नाम रखा है निर्दयी घाट, जहां से सची माता और निमाई पंडित विलग हुए थे। और वो सन्यास लीला का वर्णन करते हैं सारा। और वो कहते हैं, निमाई पंडित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी जगन्नाथपुरी में रहने लगे हैं और वो वृंदावन जाने के प्रयास में है। और मुझे याद है वृंदावन जाते जाते एक बार वो राम के लिए भी गए थे। आपको पता है श्रीनिवास, मैं जब छोटा विद्यार्थी था और नवदीप में पढ़ने जाता था तो राम केली से हमको निमंत्रण आता था। राम केली में उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री रहते थे जिनका नाम था साकार मल्लिक उर्फ सनातन गोस्वामी, और वहाँ के अर्थमंत्री थे जिनका नाम था डबिर खास उर्फ रूप गोस्वामी, इनका निमंत्रण आता था नवदीप के अध्यापकों को, प्राध्यापकों को, आचार्यों को, प्राचार्यों को निमंत्रण आता था, आप आइए और यहाँ पर शास्त्रार्थ करिए, कथा करिए, भागवत लीला का गान करिए। तो मेरे अध्यापक को भी निमंत्रण आया था तो मैं भी गया था श्रीनिवास, मैं छोटा था। और मैंने देखा कैसे ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है वो ब्राह्मणों के सभा में, वैष्णव के सभा में बैठ के भागवत श्रवण करते थे। ऐसा लगता था जब वो ऊंचे आसन पे बैठे थे तो इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था और उनका सौंदर्य भी उनके समान ही था। उनका आचार, उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका विहार इतना आदर्श था, मैं उसी जगह वहीं पर प्रभावित हो गया था उनके व्यवहार से। और वे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी च अत्यंत दीन उचयो, बहुत विनम्र थे। और सारा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अनुपम का वो वर्णन करके अपने पुत्र श्रीनिवास को समझाते हैं। ऐसा हर रोज वो महाप्रभु और उनके पार्षदों की लीलाएं अपने बालक श्रीनिवास को सिखाते थे। एक बार वो पूजा घर में अकेले रो रहे थे श्रीमन महाप्रभु के सामने, तो बालक श्रीनिवास आया, केवल 5-6 साल का बालक था। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे बाबा, तो बोले कि मुझे महाप्रभु के प्रति कुछ प्रेम नहीं है, और वो रोने लगे। और अपने पिता का रुदन देख करके बालक श्रीनिवास भी रोने लगा, और माता किचन से देख रही थी क्या हो गया दोनों को। और वो आके देखे, उन्होंने पूछा क्या हो गया, बोले हमको महाप्रभु के प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है, वो भी रोने लगी। ये है श्रीमन गौरांग महाप्रभु के भक्त। उसके उपरांत चैतन्य दास भगवत धाम चले जाते हैं। श्रीनिवास बालक ही होते हैं तो वे एक बार उनके पास, वहां पर श्रीखंड से जो पास में होता है नरहरी सरकार आते हैं, क्योंकि श्रीनिवास का उन्होंने बहुत गौरव सुना होता है। और नरहरी सरकार ये वही है जिनका रोज हम नाम गाते हैं कि वा नरहरी आदि कोरी चामर ढुलाई, ये नरहरी सरकार आते हैं। इनके प्रति श्रीनिवास का विशेष लगाव होता है क्योंकि यही एक नरहरी थे जिनको विशेष वरदान था, वो महाप्रभु के सामने उनको कृष्ण कह के संबोधित कर सकते थे, भगवान कह के बोल सकते थे। केवल नरहरी सरकार को ये वरदान था और अद्वैत आचार्य को भी अनुमति नहीं थी, केवल नरहरी सरकार को थी। तो ये विशेष वरदान के कारण श्रीनिवास नरहरी सरकार के प्रति बहुत आसक्त हो जाते और उनसे वे भागवत सीखने लगते हैं। थोड़ा बड़े होने के बाद वो कहते हैं कि मुझे दीक्षा दे दो आप। नरहरी सरकार कहते हैं मैं नहीं दीक्षा दूंगा, महाप्रभु ने मुझे बोला है कि आप केवल भागवत पढ़ाओ, इनको दीक्षा देंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो महाप्रभु हर जगह जगह प्रकट होकर श्रीनिवास के बारे में बोलते हैं, हम देखेंगे कैसे आगे।
तो नरहरी सरकार उनको भागवत पढ़ाते हैं और वो कहते हैं अब ये काम करो आप नीलाचल जाओ, क्योंकि मैंने सुना है अद्वैत आचार्य ने एक बहुत सांकेतिक पत्र लिखा है महाप्रभु को, वो सांकेतिक पत्र बहुत साशंक है, लगता है महाप्रभु अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम वापस जाने वाले हैं। और वो पत्र केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझे थे, वो रो रहे थे इसलिए बाकी भक्त रो रहे थे। तो आप जाओ, तो श्रीनिवास जो है अभी बालक ही होते, टीनेजर होते, तो निकलते हो जगन्नाथपुरी के लिए आते। जैसे जगन्नाथपुरी के पंचक्रोशी में आते हैं, सीमा पर ही उनको कुछ भक्त लोग रोते हुए दिखते हैं, तो पूछते क्या हो गया, बोले आपको पता नहीं महाप्रभु अप्रकट हो गए। जैसे ये सुनते तो वो बालक जो है श्रीनिवास जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो लोग कहते हैं क्यों हमने इस बालक को ये दुखी खबर बता दी, शायद मर गया बालक, ऐसे प्राय मरण प्राय चेतना में थे वो। उस समय श्रीमान महाप्रभु नित्यानंदपुर के साथ उनके स्वप्न में आते हुए कहते हैं श्रीनिवास उठो, मैं आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहता हूँ, उठो आप जाओ गदाधर पंडित का आश्रय लो, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो श्रीनिवास कैसे तो उठकर निकलते हैं और गदाधर पंडित के पास आते हैं, और गदाधर पंडित कहते मुझे महाप्रभु ने आपके लिए इधर रोका है, नहीं तो मैं भी उनके साथ जाने वाला था, मुझे उन्होंने कहा है कि भागवत सिखाओ। तो उस समय गदाधर पंडित जो है पुरी के सारे वासियों को उनको मिलाते हैं, काशीश्वर पंडित, रामानंद राय, शिखी माहिती, ये जो सारे भक्त थे, काशी मिश्रा, इन सारे वक्रेश्वर पंडित, इन सबको मिलाते हैं। महाराज प्रताप रुद्र एकांतवास में चले जाते हैं, इन सबको मिलाते हैं, ब्रह्मानंद भारती, और बाद में वो भागवत पढ़ाने के लिए आते। महाप्रभु का भागवत प्रेम इतना था, वो रोज कई घंटे गदाधर पंडित के पास आकर भागवत पढ़ते थे। केवल रासलीला नहीं, ध्रुव महाराज कथा, प्रहलाद महाराज कथा, अम्बरीश महाराज कथा, कितनी बार हम लोग तो एक बार पढ़ गए तो पता है मुझे कुछ नया मसाला बताओ बोलते हैं हम, लेकिन एक एक कथा सौ सौ बार सुनते थे वो। और गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम आश्रयों से पूरा भागवत के जो अक्षर है वो धुंधले हो गए थे, पढ़ना नहीं हो रहा था। तो गदाधर पंडित बोले श्रीनिवास को जाओ आप नरहरी सरकार के पास से नया भागवत लेके आओ। तो वापस आते हैं एक भागवत प्राप्त करने के लिए। सोचो हमारे पास ऐसे एक ऑर्डर दिया तो हमको मिल जाएगा भागवत, हम भद्र पूर्णिमा कितने सैकड़ों भागवत बांटते हैं, हमको कुछ उसका ज्यादा महत्व समझ में नहीं आता। एक भागवत प्राप्त करने के लिए श्रीनिवास आचार्य चल के वापस 450 किलोमीटर आते और नरहरी सरकार से उस एक भागवत कॉपी करने के लिए 18,000 श्लोक हाथ से लिखना था, जेरोक्स नहीं, स्कैनिंग नहीं, अभी तो ऐसे ही ऐप में आ जाता है। एक कम से कम आचार्यगण बताते भागवत का प्रति बनाने के लिए कम से कम कितना भी गति से करो, कितना भी फास्ट करो, 1 साल तो लगता ही था, बहुत तेजी से किया। तो जब वो अपनी माता के पास गए जाजीग्राम में लक्ष्मीप्रिया के पास, तो उनको खबर आई कि गदाधर पंडित भगवत धाम चले गए, तो वापस बेहोश हो गए। उन्होंने निश्चय किया मैं आत्महत्या कर लूंगा, महाप्रभु चले गए और गदाधर पंडित भी चले गए तो मेरे जीवन जीवित रहने का उपयोग है क्या, मैं शरीर छोड़ देता हूँ। और वो मूर्छित हो गए। वापस श्रीमन महाप्रभु और इस बार गदाधर जी साथ में आए, वो बोले कि श्रीनिवास उठो आप नवद्वीप जाओ, वहाँ के भक्तों को मिलो और वहाँ से आप वृंदावन जाओ, वहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आपको भागवत सिखाएंगे। तो श्रीनिवास उठते और नवद्वीप आते हैं, नवद्वीप में आते योगपीठ के पास, वहाँ पर वे मिलते हैं वंशीवदन और ईशान ठाकुर को जो विष्णुप्रिया देवी की सेवा करते हैं। और विष्णुप्रिया के पास जब लाते हैं, विष्णुप्रिया पहले से ही इतने कमजोर और गलित गात्र होती है, आप कल्पना करिए, वो जब करते थे और एक माला होने के बाद एक चावल बाजू में रखते थे और जितने चावल होते थे उतने ही खाते थे वो, जितने माला होते थे उतने चावल और उतने ही चावल खाते थे वो। मतलब हम अगर अनुकरण करेंगे तो 16 ही चावल खा पाएंगे। अगर उस खाने की लालसा में भी हम जप करेंगे तो कितना कर पाएंगे, 192। ये विष्णुप्रिया देवी है।
तो वो कहते मुझे महाप्रभु आज ही आके बोले थे स्वप्न में कि श्रीनिवास आने वाला है, उसके ऊपर कृपा करो। तो वो अपनी सारी कृपा जो है वो श्रीनिवास के ऊपर करते हैं। बाद में सारे नवदीप वासियों को मिलते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं, शांतिपुर आते हैं, शांतिपुर में रघुनंदन को मिलते हैं, और नहीं रघुनंदन नहीं अच्युतानंद को मिलते हैं, और अद्वैत आचार्य के जो दो पुत्र अच्युतानंद और गोपाल को मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आगे आते हैं। खानकुल कृष्णनगर ये बहुत विशेष जगह है, यहाँ पर अभिराम गोपाल रहते हैं। और अभिराम गोपाल अगर किसको प्रणाम करे यार वो शुद्ध भक्त नहीं है तो मर जाता था, और किसी शालिग्राम को प्रणाम करते थे अगर शालिग्राम ओरिजिनल नहीं है तो वो चोर चोर हो जाती थी, प्रभुपाद लिखते फ्रैक्चर हो जाती थी चैतन्य चरितामृत में। तो अभिराम गोपाल निश्चय करते श्रीनिवास की परीक्षा लेंगे। तो श्रीनिवास तीन चार दिन से कुछ खाए नहीं रहते, तो कुछ पैसे भेजते वो भक्त के पास, वो उतने ही पैसे रहते ये व्यक्ति का भोजन बन सके। तो श्रीनिवास अपने लिए भोजन बना लेते और उसी समय दो अलग भक्तों को भेजते, जाओ श्रीनिवास क्या करते देखो, अभी भोग लग चुका है सब हो गया। तो श्रीनिवास वो सारा प्रसाद वो दोनों को बांट देते, उनके लिए कुछ नहीं बचता। तो अभिराम बोलते ये मेरी कृपा प्राप्त करने का योग्य है। तो उसको बुलाते और उनके पास एक चाबुक था जिसका नाम था जयमंगल। वो चाबुक जिसको स्पर्श करे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था। आपको मालूम है वो चाबुक अभी इस 21वीं सदी में कौन सा रूप धारण किया? भक्ति वेदांत तात्पर्य, जिसको भी मिलेंगे उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, खाली उनको स्पर्श करने की जरूरत है हृदय को। तो जयमंगल लेके वे श्रीनिवास को मारते, श्रीनिवास बेहोश हो जाते कृष्ण प्रेम में। श्रीनिवास कैसे तो उठ जाते, वापस मारते, वापस कृष्ण प्रेम में बेहोश हो जाते। तीसरी बार मारते, वापस बेहोश हो जाते, और चौथी बार मारने वाले होते अभिराम गोपाल की पत्नी मालिनी बोलते अरे 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 रुको रुको रुको, बच्चा है वो मर जाएगा, समझता नहीं आपको। तो अभिराम गोपाल उनको आलिंगन कहते हैं, मुझे नित्यानंद प्रभु ने बोला था आप आएंगे करके, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, ये सारी कृपा उनकी है। वहां से वो करदा आते, वहां पर वीरचंद्र प्रभु और जानवा माता का कृपा आशीर्वाद लेकर वे निकलते आते एक चक्र नगरी में, नित्यानंद प्रभु का जन्मस्थान, क्या धाम है वो। वहां पर गर्भवास में आते जहां पर पद्मावती देवी और हड़ाई पंडित का घर था, जहां पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, वहां पर नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाओं का दर्शन करते, विश्राम तला और बाकी सब लीलाओं का, और वहां से वो निकलते आते हैं वृंदावन की ओर। काशी में आते वाराणसी में, वो वहां पर चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ एक भक्त रहते, वो कहते यहीं पर महाप्रभु दो महीना रहे और सनातन गोस्वामी को उपदेश किए, और तपन मिश्रा के यहाँ पर भी किसी को मिलते हैं भक्तों को। वहां से वो प्रयागराज में आते हैं, रूप गोस्वामी को जहाँ शिक्षा दी थी, वहां से वो अयोध्या आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी में, उनका रामलला का दर्शन करके वे मथुरा आते हैं। मथुरा विश्राम घाट में जैसे ही आते हैं उनको खबर मिलती है, आपको पता नहीं अभी अभी रूप गोस्वामी भगवत धाम चले गए। जैसे वो सुनते वहीं बेहोश हो जाते। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके स्वप्न में आते, बोलते श्रीनिवास उठो, महाप्रभु ने हमको बोला है, हमने जो ग्रंथ लिखे उसका वितरण आप करोगे, उठो आप जाओ, गोपाल भट्ट गोस्वामी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो गोस्वामी आपको प्रशिक्षण देंगे। वहां से उठ के श्रीनिवास वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और क्या वो वृंदावन का वर्णन है, वृंदावन का कन कन बोले श्री राधा राधा। वो देखते हैं वृंदावन का नयन रम्य मनोहर दृश्य, हरी भरी लता पता, और कैसे गैया जो है रंभा रही है, कोयल गा रही है, पक्षियों की चहचहाट और बंदरों का शोर, वो सब देख करके श्रीनिवास ब्रज रस में समरस हो जाते हैं। और वो आते हैं गोविंद देव के यहाँ, और श्री जीव गोस्वामी उनको मिलते हैं और उनको गले लगाते हैं, बोलते महाप्रभु ने हमको बताया आप आएंगे करके, और उनको लेकर जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में। वहाँ पर वो राधा दामोदर का दर्शन कराते हैं, रूप गोस्वामी के समाधि में वो समर्पित होते हैं। वहाँ से वो लेके जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में समर्पित होते। बहुत विश्लेषण में विस्तृत में वर्णन है, हमारे पास समय नहीं है, ये तो केवल प्रस्तावना ही चल रही है, अभी तक लीला भी चालू नहीं हुई। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी
राधा रमन के सामने उनको दीक्षा देते हैं। हम राधा रमन के आविर्भाव के बारे में बोल रहे हैं, राधा रमन के सामने उनको दीक्षा देते हैं और कहते हैं जीव गोस्वामी आपको प्रशिक्षण देंगे। और जीव गोस्वामी उनको प्रशिक्षण देना चालू करते और एक बार उज्जवल नीलमणि नाम का ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी कृत, उसका कुछ श्लोक जीव गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने श्रीनिवास को पूछा, श्रीनिवास आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हो? तो श्रीनिवास ने ऐसा कुछ स्पष्टीकरण दिया कि जीव गोस्वामी भी प्रभावित हो गए, जो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो अपनी टिप्पणी में उधर लिखते तात्पर्य में, श्रीनिवास ने मुझे समझाया ये श्लोक का अर्थ क्या है। और उधर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी और बाकी गोस्वामियों के अनुमति से उनको टाइटल देते हैं आचार्य, तब से बन गए वो श्रीनिवास आचार्य। कुछ ही दिन बाद वहां पर खेतुरी के राजकुमार नरोत्तम दास भी आए और उनका तो लीला ही कुछ अलग है। उनके भी विद्वत्ता और महान प्रगल्भता देखकर, भक्ति देखकर जीव गोस्वामी उनको भी टाइटल देते हैं ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। ये दोनों बहुत ही महान शिष्य थे जीव गोस्वामी के और वो चाहते थे कि उनको ब्रजमंडल परिक्रमा में लेके जाए, लेकिन कौन लेके जाएगा? उसी समय राघव पंडित आते पूंछरी के लोटा से और वो कहते मैं ब्रजमंडल परिक्रमा पे जा रहा हूँ। तो जीव गोस्वामी बोले बहुत अच्छा होगा, ये दोनों को लेके जाओ। वो दोनों को लेके जाते और वही परिक्रमा जो है वो भक्ति रत्नाकर का पंचम अध्याय बन जाती है, पंचम लहर। और उसी पर आधारित भक्तिनो ठाकुर ने किताब लिखा है, ग्रंथ लिखा है ब्रजमंडल परिक्रमा। और उसी पर आधारित हम लोग जो इस्कॉन के लोग या गौड़ी भक्त जो परिक्रमा करते हैं उनका ही अनुगमन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है भक्ति रत्नाकर का पंचम अध्याय, मतलब रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा है, बहुत सुंदर है। आप लोग पढ़िए कभी समय मिला तो, बहुत सुंदर वर्णन है। वो कृष्ण की सारी लीला स्थली का वो दर्शन कराते हैं। कुछ दिनों बाद वहां पर दुखी कृष्णदास आते हैं उड़ीसा से और उनको राधा रानी कृपा करती है, इसलिए उनका नाम होता है श्यामानंद पंडित। उनकी भी लीला बहुत विलक्षण है और बहुत महान है। और ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य एक ही मंदिर में रहते थे, एक ही प्रेसिडेंट के नीचे, जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर। ये हम लोगों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। एक ही मिशन के लिए कार्य करते थे, हालांकि अलग अलग गुरु के शिष्य थे, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं। श्रीनिवास आचार्य भगवान की लीला पर ध्यान करते थे। अभी एक चीज ध्यान देने जैसी है, ये जो आचार्यों का ध्यान था ये कोई मानसिक कल्पना विलास नहीं था, ये भगवान के चरणों में समर्पित होते थे तो भगवान अपनी लीला उनको प्रकट करते थे। एछाई गोसाईर जब व्रजे कोयलावास राधा कृष्ण नित्य लीला कुरीला प्रकाश, भगवान स्वयं अपनी लीला प्रकाशमान करते थे। एक बार श्रीनिवास आचार्य ध्यान लगाए थे और ध्यान में उनको श्रीमन महाप्रभु पंच तत्व के साथ कीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु इतने प्रसन्न थे श्रीनिवास के ऊपर, अपने गले की माला निकालकर श्रीनिवास के गले में डाल दिए। और जब ध्यान भंग हुआ तो माला वैसे ही थी, तो उन्होंने अपने कपड़े के अंदर छिपा ली माला। यही फर्क है उनमें और हम जैसे साधारण भक्तों में। हम लोग होते तो माला बाहर निकाल के, फोटो निकाल के फेसबुक ट्विटर सोशल मीडिया में लगा के दिन भर घूमते थे, देखो देखो ऐसे ही होता ना। अगर महाप्रभु दे तो हम तो अभी नहीं भी मिले तो छीन के लेके पहनते घूमते दिन भर। यही साधारण व्यक्ति में और आचार्य में फर्क होता है। उन्होंने छिपाई वो माला, लेकिन जीव गोस्वामी समझ गए, श्रीनिवास मैं जानता हूँ माला कहाँ से आई। तो जीव गोस्वामी के चरणों में नतमस्तक होते। एक बार वो फागुतला नाम का एक गांव है ब्रज में, वहां पर ध्यान कर रहे थे। फागुतला मतलब वहां पर होली की लीला होती है और होली में कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ राधा रानी ललिता विशाखा को रंग लगाने के लिए, होली खेलने के लिए आए थे और सखियों ने मिलकर कृष्ण को ऐसा कुछ रंग लगाया, काला है, नीला है, लाल है, पीला है, कृष्ण का रंग ही समझ में नहीं आ रहा था। और उसमें मदद कर रहे थे मणि मंजरी जो स्वयं श्रीनिवास है, राधा रानी को रंग दे रही थी। वो हुआ ये, वो छटापटी में कृष्ण को रंग लगाने के छटापटी में इसको भी रंग लग गया और जब ध्यान भंग हो गया
तो सारा रंग वैसे के वैसे ही था। उन्होंने सारा प्रयास किया, नहाए धोए निकालने का प्रयास किया, लेकिन रंग कुछ निकला ही नहीं। सब भक्त जान गए ये किसका रंग है, ये स्वयं राधा रास बिहारी के लीला का रंग है जो श्रीनिवास को लगाया गया है। श्रीनिवास आचार्य की एक बार नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य गोवर्धन के पास थे और गुफा में वहां गोवर्धन के गुफा में उन्होंने श्याम सुंदर की बंसी का आवाज सुना और उधर गए तो उन्होंने देखा साक्षात श्याम सुंदर रास बिहारी बंसी बजा रहे, तो बेहोश होके उधर ही गिर गए। और उन्होंने देखा, जब होश में आए तो देखा एक ग्वाल बाल हाथ में छड़ी लेके खड़ा है। उन्होंने पूछा आप इधर क्यों खड़े हो, बाबा आप यहाँ पर आए थे और गिर गए बेहोश होके, मुझे देख के पता नहीं क्या हो गया आपको, यहाँ पर एक शेर आया था वो आपको खाने वाला था, मैं आपके बचाने के लिए आया था। ऐसे अनगणित लीलाएं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। फिर उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जीव गोस्वामी जनवा माता के निवेदन के अनुसार सारे जो ग्रंथ है वो समारंभ पूर्वक श्रीनिवास आचार्य के पास भेज देते। उनके साथ होते नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। समारंभ बहुत बड़ा रहता है, राधा दामोदर मंदिर में बैलगाड़ी होती है, सारे गोस्वामी होते हैं, सजाई धजाई बैलगाड़ी होते हैं, उसमें एक एक किताब, ये सनातन गोस्वामी का बृहत भागवत अमृत है हरि बोल, ये सनातन गोस्वामी का हरि भक्ति विलास है हरि बोल, ये रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु है हरि बोल, ये रूप गोस्वामी का लघु भागवत अमृत है हरि बोल, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत है हरि बोल। ऐसा समारंभ हुआ और श्रीनिवास आचार्य उसके मुख्य लीडर थे और उनके नेतृत्व में आ गए सारी किताब। और जैसे बंगाल में प्रवेश किए, बाण विष्णुपुर नाम का राज्य था, वहाँ पर एक डाकू रहता था राजा के वेश में, जैसा पानी चाय कम पानी ज्यादा बोलते हैं वैसा डाकू कम और राजा कम और डाकू ज्यादा था वो। तो उसका एक ज्योतिष ने बोला ये बैलगाड़ी में बहुत धन है, तो रात के समय चुरा लेते। बहुत विस्तृत में वर्णन है, शॉर्टकट में बोल रहे। तो जैसे ही लेके आते खोल के देखते, अरे आपने तो बोला था धन है, अरे मेरी गणना के अनुसार इसी में धन है, यही धन है, इसका हमें क्या लाभ। तो सुबह उठ के देखते, सोचो आप पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, दूसरी कोई कॉपी थी नहीं, और सारे आचार्य चले गए, रूप गोस्वामी गए, सनातन गोस्वामी गए, लगभग सारे चले गए थे। बहुत बड़ा धक्का था सभी भक्तों को, पत्र लिखे भेजा गया जीव गोस्वामी को सारे ग्रंथ गए हैं करके। फिर श्रीनिवास आचार्य को आकाशवाणी होती है ये ग्रंथ मिल जाएंगे, और उस समय वे नरोत्तम दास को खेतुरी भेजते, श्यामानंद पंडित को उत्कल भेज देते हैं, और वे स्वयं रुकते बाण विष्णुपुर में। और वे राजा के पास आते हैं, वहाँ पर भागवत पठन होता है, और वहाँ पर वो भागवत का ऐसा कुछ प्रवचन करते भ्रमर गीत से कि राजा बाण बिरंबीर वहाँ पर समर्पित होते हैं, और वो कहते ये रहे ग्रंथ, मैंने चोरी की है, मैं वो डाकू हूँ, और उनका वहाँ पर उद्धार होता है। उतना ही नहीं, सारे राज्य का उद्धार हो जाता है, सारे राज्य को श्रीनिवास आचार्य दीक्षा देते हैं, क्योंकि वो डाकू था, जो कोई सोलामाला नहीं करेगा तो केवल 108 मंत्र नहीं लिखने सीधा उड़ा देते थे वो। तो वहां से वो ग्रंथ लेके जाते हैं, उसकी प्रतिलिपियां बनाकर उसका वितरण होता है, और वही खबर वो जीव गोस्वामी को अगर देते हैं और सब लोग वापस खुश हो जाते हैं। वो नरहरी सरकार को आकर मिलते हैं, नरहरी सरकार बोलते हैं विवाह करो, तो विवाह करते हैं। उनकी कुछ इच्छा नहीं थी, लेकिन नरहरी सरकार से आए जो महाप्रभु के साक्षात पार्षद है, तो विवाह करते हैं। जिनका गोपाल चक्रवर्ती नाम के ब्राह्मण थे, जिनके पत्नी का नाम था द्रौपदी, इनके पुत्री का नाम था ईश्वरी, इनके साथ विवाह करते, दो विवाह करते वो। एक और थे राघव चक्रवर्ती, और माधवी देवी की पुत्री थी पद्मावती, इनके साथ वो विवाह करते हैं, और ये दोनों भी शुद्ध भक्त थे। ये पद्मावती को दीक्षा देके नाम देते गौरांगी प्रिया, और ये दोनों के साथ वो रह रहे थे, प्रचार कर रहे थे और भगवान का बहुत सुंदर भजन कर रहे थे। एक बार वो श्रीखंड में बैठे थे और उन्होंने देखा एक विवाह समारंभ जा रहा था, क्या बोलते उसको, हाँ बारात जा रही थी, हाँ वो बारात जा रही थी, और बारात में देखा कि एक दूल्हे राजा घोड़े पर सवार होके जा रहे। श्रीनिवास
पूछे ये कौन है घोड़े पर बैठा हुआ, ये रामचंद्र है। तो उन्होंने बोला क्या गले में फांसी का फंदा लटका के जा रहा है, उसको खुशी हो रही है, ऐसा जोर से बोलते और रामचंद्र को सुनाई देता है। आगे जाते वो दुल्हन को बोलते आप चलो मैं आता हूं वापस। वो यूटर्न लेके आते, बोलते आचार्य प्रणाम, आपने क्या बोला था, फांसी का फंदा लगा के घूम रहे तुम और नाच रहे गा रहे, तो ये क्या होता है। बोले सब उनको वर्णन करते हैं क्या है मानव जीवन का उद्देश्य और आप क्या करने जा रहे हो। उधर ही वो रामचंद्र समर्पित होते और शुद्ध भक्त उसी जगह बन जाते हैं और उनका नाम होता है रामचंद्र कविराज। ये वही रामचंद्र कविराज है। इनका भी लीला बहुत सुंदर है और डिटेल है। दामोदर सेन नाम के एक व्यक्ति थे श्रीखंड में, ये शाक्त थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने एक विद्वान को पराजित किया था, उस विद्वान जो पराजित हुआ था उसने दामोदर सेन को श्राप दिया था आपको कोई पुत्र नहीं होगा। तो श्राप को वरदान में परिवर्तित करने के लिए उस पराजित व्यक्ति की बहुत सेवा की। वो बोला ठीक है मेरा श्राप तो सत्य हो गई, आपको एक पुत्री होगी, जिनके दो पुत्र होंगे वो महान भक्त बन जाएंगे। तो ये दामोदर सेन की पुत्री का नाम था सुनंदा और ये सुनंदा के पुत्र का नाम था रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज। तो ये रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हुए। हम जो गाते हैं ना, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। ये नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत घनिष्ठ थे, ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। तो जब श्रीनिवास आचार्य का तिरुभाव हो गया तब उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखा, जे आनिलो प्रेमधन करुणा प्रचुर है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ये आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य के लिए संबोधित है। और जब रामचंद्र कविराज भगवत धाम चले गए तब नरोत्तम दास ठाकुर ने ये भजन लिखा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। इसलिए लास्ट उसकी लाइन है रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। तो रामचंद्र बहुत घनिष्ठ शिष्य थे नरोत्तम दास श्रीनिवास आचार्य के। और एक बार श्रीनिवास आचार्य ध्यान में बैठे थे भगवान की लीलाओं पर, सुबह बैठे, नाश्ता नहीं, दोपहर का लंच नहीं, डिनर नहीं, पूरी रात चली गई। दोनों पत्नियां ईश्वरी और गौरांगी प्रिया बहुत चिंतित हो गई, पूरी रात चली गई, दूसरे दिन भी उठे नहीं ध्यान से, दूसरा दिन पूरा चला गया। तो उन्होंने रामचंद्र कविराज को बुलाया, आपके गुरुदेव ध्यान में गए, पता नहीं भगवत धाम चले गए, क्या हो गया, रोने लगे दोनों। तो रामचंद्र कविराज बाजू में आके बैठ के ध्यान करने लगे और आधे घंटे में दोनों होश में आ गए, बाहरी भाई चेतना में, और दोनों के मुख में लाल रंग आया था, पान था। तो एकांत में दोनों ने पूछा, ईश्वरी और गौरांगी ने, कि क्या हो गया था। बोले गुरुदेव राधा कुंड गए थे ध्यान में और वहां पर राधा रानी की नतनी राधा कुंड के जल में खोई थी, गिर गई थी। तो ललिता विशाखा अष्ट सखिया उसको ढूंढ रही थी और उसमें रूपमंजरी उनको मदद कर रही थी और रूपमंजरी को मदद कर रही थी मनी मंजरी, ये श्रीनिवास हमारे गुरुदेव। लेकिन कल सुबह गिरी हुई थी, दिन भर नहीं मिली, रात भर नहीं मिली, आज सुबह नहीं मिली, मैं गया तो आधे घंटे में मिल गई, मुझे प्राप्त हुई थी, वो मैंने मनी मंजरी गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने रूपमंजरी को दिया, रूपमंजरी ने ललिता को दिया, ललिता ने वो राधा रानी के नाक में डाल दिए। तो राधा रानी इतना प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, अपने मुख में जो तांबुल रखा था पान वो उन्होंने कृपावश दे दिया, जिसने भी उसको पाया है उसको दे दो। तो वो ललिता लेके आई, उन्होंने रूपमंजरी को दिया, रूपमंजरी ने मनी मंजरी को दिया और मनी मंजरी ने मुझे दिया। तो हम दोनों ने आधा आधा पान खा लिया राधा रानी का, इसलिए हमारे दोनों के मुख लाल है। बोलो श्रीनिवास आचार्य की, श्री रामचंद्र कविराज की। क्या क्या बताऊं मैं आपको, अभी हो गया सारा। खेतुरी का गौर पूर्णिमा महोत्सव जो था उसमें श्रीनिवास आचार्य मुख्य पुरोहित थे, हेड प्रिस्ट थे, उन्होंने उसका नियोजन किया था नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। और जब नरहरी सरकार का तिरुभाव हुआ था तो तिरुभाव महोत्सव में उनको बुलाया गया था। और तिरुभाव में जब रघुनंदन अपने गुरुदेव नरहरी सरकार को भोग लगा रहे थे, प्रसाद अर्पण कर रहे थे, तो नरहरी सरकार आए थे वापस गोलोक से वो खाने के लिए। गोपीनाथ स्वयं खाते थे तो उनके भक्त भी खाएंगे साक्षात, वो भी आए थे। वहाँ पर सुंदर
कीर्तन आरंभ किया था श्रीनिवास आचार्य ने, और इतना सुंदर कीर्तन था कि वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद तने नाचने लगे। इतना सुंदर नृत्य था, लोग सब बोलने लगे वाह 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 वाह। वहां पर एक अंधा भक्त था, वो जन्म से अंधा था, उसने दिन का उजाला नहीं देखा था। वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर मैंने जीवन में कुछ भी किया हो अच्छा कार्य तो मुझे ये वीर चंद्र प्रभु का नृत्य दिखाओ। तो तुरंत उसकी आंखें आ गई और वो नृत्य देखने लगा, और कुछ देखने के योग्य भी नहीं, आंखें ना हो तो चलेगा। तो ये श्रीनिवास आचार्य का प्रभाव है। वैसे तो बहुत सारी लीला है जिसका हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते, अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। श्रीनिवास आचार्य को 3 पुत्रियाँ हुई ईश्वरी देवी से, हेमलता ठाकुरानी, कृष्णप्रिया ठाकुरानी और कांचन। हेमलता ठाकुरानी महान आचार्य बन गई और चैतन्य महाप्रभु के पास जो गोवर्धन शिला थी वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो गोवर्धन शिला जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वो गोवर्धन शिला अपने शिष्य मुकुंद को दी। मुकुंद ने वो शिला जो है श्रीनिवास आचार्य को दी, और श्रीनिवास आचार्य ने वो शिला जो है अपनी पुत्री हेमलता ठाकुरानी को दी। और जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए और धुआंधार प्रचार करने लगे सहजियावाद के विरोध में, तब हेमलता ठाकुरानी वही लीला, वही शिला जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जी दी। आज वो राधा गोकुलानंद मंदिर में आज भी उपस्थित है, आप उसका दर्शन कर सकती हो। कृष्णप्रिया ठाकुरानी इतनी शुद्ध भक्त थी, अविरत रूप से 24 घंटा वो गाती थी हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। रूप कविराज नाम का एक महान सहजी आया था, विद्वान था, और वो प्रवचन कर रहा था ऐसा, और कृष्णप्रिया ठाकुरानी सुनने के लिए आए थे, लेकिन उसका जब चालू ही था मुंह बंद नहीं रख सकते थे, उनकी जीवा चलती रही। वो बोला क्या मूर्खता है, मैं कथा कर रहा हूं और जप कर रहे हो, ये अपराध है, समझते नहीं? आचार्यगण कहते हैं ये रूप कविराज का अपराध हो गया। कृष्णप्रिया ठाकुरानी श्रीनिवास आचार्य की पुत्री तो शुद्ध भक्त थी, उसका पतन हो गया, वो सहजिया बन गया, बाद में जाके भूत बन गया वो। इसलिए किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना, खास करके भागवत में। और गौरांग प्रिया से उनको गति गोविंद नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसी श्रीनिवास आचार्य के बहुत सारी लीलाएं हम छोटे से समय में कितना वर्णन कर पाएंगे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1933-34 में राधा कुंड के पास थे, और वहां पर अभय चरणारविंद दास उर्फ अभय बाबू वो गए थे उनको मिलने के लिए, और उनको खबर आई ये कहाँ पर है, राधा कुंजी बिहारी गौड़ी मठ जो है राधा कुंड में, वहाँ पर ये लीला हुई थी, जो गौर किशोरदास बाबा का भजन कुटीर था, बाद में सरस्वती ठाकुर ने इसको खरीद लिया था, वहाँ पर वो थे। और वहाँ पर उनको ये दुख की खबर आई कि बाग बाजार जो गौड़ी मठ है कलकत्ता में, वहाँ पर झगड़ा चल रहा था, शिष्यों के बीच का कलह गुरुदेव को अच्छा नहीं लगता। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कहे आगुन जलबे, आग लगी है मठ में, जब से हमने ये मार्बल का मंदिर बनाया है संगे मरमर का, इससे भक्तों के बीच में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है। अभय आपको जब भी पैसा मिलेगा ना तो आप ग्रंथ छापो, उसको वितरण करो। तो वहीं से प्रभुपाद ने उठाया, और जो शिक्षाएं महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दी थी, जो शिक्षाएं ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी इत्यादि को दी थी, जो शिक्षाएं जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को दी, और जो शिक्षाएं ये तीनों ने आगे जाकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के द्वारा भक्तिनाथ ठाकुर को दी, और जो शिक्षाएं आगे जाकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिल प्रभुपाद को दी, ये सारा का सारा इसेंशियल जिसको बोलते निचोड़, जिसको अंग्रेजी में क्विंटेसेंस कहते हैं भक्ति का, वो प्रभुपाद ने हमें भक्ति वेदांत तात्पर्य में दिया है। ये सारा का सारा ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जो मूर्छित हुए थे, तो संजीवनी बूटी के जैसा है भक्ति वेदांत तात्पर्य। देवता लोग क्या अमृत पान करते पता नहीं, वो करने के बाद भी भयभीत होते हैं और फिर भी उनको वापस जन्म लेना पड़ता है, लेकिन अगर हम भक्ति वेदांत तात्पर्य जो सारे आचार्यों का साक्षात्कार है वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन भी सफल संपूर्ण और समृद्ध बन जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम श्रीनिवास आचार्य और बाकी आचार्यों के स्मरण में ज्ञानिलो प्रेमधन गाएंगे।
और यहीं पर विराम देंगे। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को थागेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातना, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातना, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीराज, कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीराज, एक काले को था गेला गौरन तराज, एक काले को था गेला गौरन तराज, पाषाणे कुटीब माथा अनले पशेब, पाषाणे कुटीब माथा अनले पशेब, गौरांगा गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो, गौरांगा गुनेरा निधे
रंगा गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोयला विलास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास जयानील प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव नेताय गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय श्री कृष्ण डोल यात्रा महोत्सव की श्री श्री राधा रमण देव आविर्भाव महोत्सव की श्रील माधवेंद्रपुरी आविर्भाव महोत्सव की श्रील परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की श्रील श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव महोत्सव की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे